सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जहूराबाद जिला गाजीपुर में हुए हमले को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। बस्ती जिले में दर्जनों की संख्या में सुभा सपा के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मांग उठाई और ज्ञापन भी सौंपा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने की मांग उठाई। राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर ने कहा कि अगर विधायक अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। प्रदेश में इस तरह की घटना सरकार के बेहतर कानून व्यवस्था की पोल खोलती दिखाई दे रही है। इस दौरान जिला अध्यक्ष अमन राजभर के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, क्या कुछ मुद्दे थे और क्या मांगे आप लोग? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ की हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जहूराबाद गाजीपुर कल अपने क्षेत्र में अपने निर्वाचित क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। एक पाल समाज के पीड़ित परिवार के घर गए थे, दरवाजे पर दरवाजा करने गए थे और वहां जाने के बाद ईर्ष्यावश उस गांव के कुछ अराजक तत्व थे जिसको लाठी डंडे और कट्टा भाला फरसा लेकर के माननीय नेताजी को गोलबंदी करके घेर लिए। नेता को शंका हुआ कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। मैं बधाई देना चाहता हूं वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, कि नेताजी को घेरा बना करके सुरक्षा में और जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनको बचाते हुए गांव से लोगों ने बाहर निकाला है। ये कानून व्यवस्था के नाम पर इस सरकार में बिल्कुल कुछ नहीं रह गया है। जब जहाँ विधायक नहीं सुरक्षित है, हमारा नेता नहीं सुरक्षित है, बताइए आम जनता का क्या होगा? आम जनता कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी? ये मांग करते हैं कि हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जेड प्लस की सुरक्षा तत्काल उपलब्ध कराया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। और इसको लेकर के आज पूरे प्रदेश के हर जनपद में ज्ञापन दिया जा रहा है और इस पर त्वरित कार्रवाई अगर नहीं होता है तो हम लोग आमरण आंसर करने के लिए बाध्य होंगे और सड़क से लेकर के रेलवे तक हम रोकने का काम करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने सब फैसला ले लिया है।